बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको शामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज मंगल है और आप जानते हैं कि हर मंगल को हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ नाज़रीन, बस इतना ही तारुफ़ मैं हमेशा कराता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद साहब ने दुनिया को एक ऐसी एनर्जी दी है कि इस वक्त भी हज़ारों लाखों लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, जिसे हम संदा हीलिंग एनर्जी कहते हैं, जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, जिस पर यकीन तौर पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद को। डॉक्टर साहब, ये तो खैर बात हमने बेशुमार प्रोग्राम्स में की, उस जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हीलिंग एनर्जी है या सबसे ज़्यादा पावरफुल हीलिंग एनर्जी है, लेकिन इस वक्त आजकल के दौर के अंदर, खा वो अमेरिका हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, फार ईस्ट हो, एक बहुत कॉमन, मैं उसको ये आप बताएंगे कि उस हम बीमारी के कहेंगे या उसको हम क्या कहेंगे, कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं मुख्तलिफ हवालों से, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ हवालों से, रीजंस उसके बेशुमार हैं, और डिप्रेशन का शिकार हैं। तो पहले क्या है, ये बीमारियां हैं या ये कुछ और चीज़ें हैं, और क्या वजूहत होती हैं कि कोई बला है ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन और टेंशन। अच्छा, अब ये सब कुछ इतना कॉमन हो गया है कि छोटा सा बच्चा भी वो भी कहता है कि मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, वरना मैं तो बहुत बड़ा हो गया था तो मुझे नहीं पता था कि टेंशन क्या होते हैं, टेंशन क्या हो। लेकिन अब तो छोटा सा एक बच्चा जो कि स्कूल गोइंग चाइल्ड है, वो भी कहता है जी मुझे तो, मैं तो बड़ा टेंशन हो रहा है, मुझे टेंशन नहीं डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन भी हो रहा है उससे भी आगे चला गया वो टेंशन से। तो ये है क्या, क्या वजूहत होती, क्यों हो जाता है, और इसका क्या तरीका इलाज है? जी मैं बताता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं इस पर रिसर्च की है, मैंने आपने बुक्स भी लिखी है, बुक्स लिखी जी, बहुत तारीफ की है, काफ़ी मैंने इस पर तहकीकात की है कि बीमारियों पे और बिलखसूस नफसियाती बीमारियों पे काफ़ी मेरा मुताला है। अच्छा, इसको हम ये नफसियाती बीमारियों में आते हैं, ये टेंशन जो है जी, और डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इस तरह की नफसियाती बीमारियों में फेयर फोबियाज, यानी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ऐसी बीमारियाँ, जहनी उलझने जिसे आप कह सकते हैं, सही, जहनी उलझने या किसी चीज़ को भूल जाना, मेमोरी का काम नहीं करना, स्टडीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो वो फिजिकल बीमारियों भी हो सकता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल बनते हैं। सारी बात साइकी की है हमारी, तमाम के तमाम बातें साइकोलॉजिकल डिजीज़ के, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिजीज़ अगर आपको खुदा ना करता किसी को है, तो साइकोलॉजिकल डिजीज़ से होता ये है कि आपके बॉडी पे सबसे ज़्यादा असरात करता है। फिज़िकल बीमारियां हमारे साइकोलॉजिकल डिजीज़ बन सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होते जितना कि साइकोलॉजिकल डिजीज़ होते। साइकोलॉजिकल डिजीज़ सबसे ज़्यादा असर करते हैं आपकी ज़िंदगी, आपकी बॉडी पे, सबसे पहले आपकी बॉडी पे, फिर आपकी ज़िंदगी पे बुरा असरात डालते हैं। सही। तो इसलिए नफसियाती बीमारियां जितनी भी है, उसके बहुत से अकसाम हैं। कुछ बीमारियाँ तो ऐसे है कि लोगों को समझ नहीं आ रहे होते कि ये बीमारी है क्या, कभी कभी तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहे होते हैं, किसी भी मालिज को समझ नहीं आ रहे होते हैं। अगर आप आमिल के पास जाते, अगर आपको मसलन डिप्रेशन हुआ है, सही, तो आमिल जो है वो आपको कहेंगे कि आप पर जादू हो गए या जीन बूट चमट गए,
किसी ने कुछ किया है या आपको नज़र लगी, वो ये कहेंगे। और वो थोड़ा बहुत कुछ आपको अंदाजे लगा कि आपको ये बता सकते हैं, आप उसमें एग्री होंगे, अच्छा तो बाबा जी ने तो ये बता दिया तो बस बात ख़त्म होगी। अगर डॉक्टर के पास जाता है जिनको साइकोलॉजी नहीं आते, जाहिर है डॉक्टर जो अगर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो उनको तो नहीं पता थोड़ा बहुत, तो मेडिकल में हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल डिजीज थोड़ा बहुत तो, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होना ये बहुत स्पेशलाइज करना उस खास फील्ड के अंदर। तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ हम पर असर करते हैं वो उस सूरत से कि हम उसको समझते नहीं, हमें समझ नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमने साइकोलॉजिकल डिजीज़ का तशखीस सही तरीके से नहीं कर सकते। तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे वो फिर आपको मेडिसिन लिखेंगे और मेडिसिन में ट्रैंक्विलाइज़र होंगे। ट्रैंक्विलाइज़र आपको पता है कि आपके इतनी बुरी तरह के तमाम सिस्टम्स जो है उस पर अच्छे असरात नहीं करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। और अगर आप हकीम साहब के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि या तो आपकी जिगर के खून की कमी है या आपकी जो है ना कमज़ोरी है या फिर कोई कोई ना कोई कमज़ोरी कहेंगे आपको कि इस चीज़ की कमज़ोरी या जिगर किसी कमी है या किसी चीज़ की कमज़ोरी है या हाँ कोई ऐसा कुछ कमज़ोरियों की बात करते हैं। सही। आपके फलां या खून की कमी है या कहते हैं जिगर के आप कमज़ोर है या कहते हैं आपको जो है ना दिल कमज़ोर है या कहते हैं आपके मैदा कमज़ोर है, कमज़ोरी की बातें करते करते ना तो वो फिर वो अपने हिसाब से वो कहता है ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, फिर वो मेडिसिन दे देते हैं, आदमी ठीक नहीं होते। इस तरह पेशेंट बेचारा जो है मरीज चलते 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 बीमारी का पता नहीं चलते, आखिर वो डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही। क्योंकि उन्हें बीमारी का तशखीस नहीं है तो इलाज कैसे होंगे, जब तक तशखीस नहीं हुआ इलाज तो मुमकिन नहीं है। आरजी तौर पे वो ठीक होते हैं तो बाद में जो है ना वो ठीक नहीं होते। तो बात यह है कि नफसियाती बीमारियों का इलाज नफसियाती तरीके से ही होनी चाहिए। सही। और वो तरीके बहुत है कि देखिए हम काउंसलिंग करें किसी पेशेंट के, एक साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है उसके लिए। वैसा तरीका हो आपके पास कि उसकी जो नाकस एनर्जी यानी साइकोलॉजिकल डिजीज़ आती कहाँ से है, पैदा कैसे, कोई वायरस है, जरासीम है, क्या है, ये पता नहीं चलता है लोगों को। सोच होती है ये तो ना कोई वायरस है ना ही कोई जरासीम है और ना ही कोई ऐसे कोई फिजिकल कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम है। ऐसा में होते हैं माइंड की देखिए कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस जो हम जिस पे स्टडी करते हैं ये एक ऐसे स्टेजेस है आपकी माइंड की है जी। कभी उसमें कुछ तब्दीलियों की वजह से या नाकस एनर्जी क्रिएट होने की वजह से साइकोलॉजिकल डिजीज़ बनते हैं, वो चाहे सोच से हो चाहे जिस्मानी बीमारी से हो चाहे किसी और एनवायरमेंटल एक्सटर्नल या इनर जितने भी इंटरनल कोई भी वजह बन सकते हैं, वजह कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में आपकी ज़िंदगी में आपकी साइकी में यानी साइकोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं रो, आपके रो में कुछ ऐसे बीमारियां आ जाते हैं ऐसे कुछ अंदर इन हो जाते हैं तो उससे आप एक नाकस एनर्जी होती है या हमारे माइंड के नाकस कारकर्दगी होती है या साइकोलॉजी के हवाले से आप कह सकते हैं क्योंकि साइको पे आप मसलन साइकी मीन साइकी का मतलब है रूह, तो रूह जो है रूह में कोई तब्दीलियाँ आ जाते हैं कुछ इस तरह के। सही। हो जाते हैं। बहरहाल बीमारी कोई भी हो तो उसके इलाज जो है कोई साइकोलॉजी तरीका साइकोलॉजिकल तरीके से करनी चाहिए ताकि परमानेंटली बीमारी क्योर हो जाए और परमानेंटली इंसान इससे निजात पाए।
वरना ये बीमारी कई जिस्मानी बीमारियों पे मुफ्तला कर देते हैं इंसान को। तो तशखीस होना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी है क्या, फिर उसका इलाज उस साइकोलॉजिकल तरीके से बहुत ज़रूरी है। समदामी हम क्या करते हैं कि इंसान को एक ऐसा एनर्जी मिलते हैं जो उसके पूरे सिस्टम्स को सही पूरे सिस्टम्स को उसके बेहतर करने लगते हैं, धोने लगते हैं, साफ करने लगते हैं। सेल में जो इंसान के वजूद में 100 ट्रिलियन सेल्स है, 100 खरब सेल से खलियों से एक इंसान बना होता है, 100 खरब खलियों से बने होते हैं इंसान, एक वाहिद इंसान। सही एक नॉर्मल इंसान यानी जो कि नॉर्मल एज का है तो वो 100 ट्रिलियन सेल से बने होते हैं उनके जो वजूद है। अब इस समदा हीलिंग में हम क्या करते हैं कि ऐसे एक एनर्जी एक्टिवेट हो जाते हैं उसके अंदर, एक खलीम फिर एक खलिया जो है कहकशान की तरह एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें एक एनर्जी को क्रिएट हो जाते हैं, एक एनर्जी एक्टिवेट हो जाते हैं समदा हीलिंग एनर्जी की टेक्निक से। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो एनर्जी हमारे बॉडी में आते हैं और पूरी बॉडी में महसूस होते हैं, हम महसूस करते हैं उस पावर को, महसूस करते हैं बॉडी में। तो वो जो नाकिस एनर्जी होती है, नाकिस कारकर्दगी होती है, नामुनज़म जो हालात बॉडी के होते हैं उसको निकाल देते हैं, बॉडी को मुनज़म बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, जहन को खूबसूरत बनाते हैं, इंसान को चाक चौबंद करते हैं और फ्रेश रखते हैं, तरोताज़ा रखते हैं हर मैदान में। इस वजह से साइकोलॉजिकल डिजीज़ रिमूव होना शुरू हो जाए। सही। अच्छा, इनकी कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। अगर कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार है, कोई एंग्जाइटी का शिकार है, कोई स्ट्रेस का शिकार है, इनके असरात बॉडी पे हमारे क्या मुख्तलिफ हो रहे होते हैं? देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ है ये चीज़ें। अब मिसाल के तौर पर बात करते हैं एंग्जाइटी के हवाले से। एंग्जाइटी मीन घबराहट। सही। घबरा जाना, घबराहट जो होती है इंसान, एंग्जाइटी होती है, एजिटेशन भी होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाते हैं। सही। लेकिन बेसिकली इसका मतलब है घबराहट। एंग्जाइटी मीन घबराहट, घबरा जाना किसी भी चीज़ से। अच्छा। किसी भी हालात में या हर वक्त घबरा जाना, हर वक्त घबराहट की हालत में रहना, तो वो फिर एंग्जाइटी जो है जिसे आप आई थिंक इसे एंग्जाइटी को हम अफसरदगी भी कह सकते हैं, घबरा जाना। अफसरदगी तो एक डिप्रेशन का एक स्टेज है, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है डीपली। एंग्जाइटी से शुरू की फिर वो बहुत बुरी बीमारी एंग्जाइटी, उसके बाद ये कि उसका फाइनल एंड जो है वो डिप्रेशन ही हो जाता है। बिल्कुल। सबसे बदतरीन चीज़ जो स्ट्रेस है, दबाव, उसमें फिर बहुत सी चीज़ें जन्म लेते हैं, एंग्जाइटी भी जन्म लेते हैं, फिर बाद में वो डिप्रेशन भी जन्म लेते हैं, उसके साथ टेंशन भी शामिल होती है और उसके साथ बहुत से खौफ जैसे मकसद है, खौफ भी शामिल हो जाते हैं, बहुत से चीज़ें इसके साथ शामिल हो के एक ऐसा निज़ाम बना लेते हैं जो कि इंसान किस काबिल नहीं होते हैं, कि वो उनको पता भी नहीं चलता है कि मुझे क्या हुआ है। सही। ये